नमस्कार, मैं कुसुम सोनिया, खबरां दे बुलेटिन च स्वागत कर दिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट वालों खाण वाले तेल की दरामद ते निर्भरता नूं घटाउण दा फैसला किया गया। कैबिनेट ने नैशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्रोग्राम लई 11,000 करोड़ रुपए के प्रबंध नूं मंजूरी दित्ती। पाम ऑयल के उत्पादन नूं वधाउण लई कैबिनेट वालों उत्तर पूर्वी खेतीबाड़ी कारपोरेशन लिमिटेड नूं मुड़ सुरजीत करन दा फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलावां नूं एनडीए की प्रीख्या च बैठण दी दित्ती आग्या। प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त नूं प्रसारित होण वाले आकाशवाणी दे बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात लई लोकां तों सुझाव मंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज टोक्यो ओलंपिक खेडां च देश की नुमाइंदगी करन अते देश लई मैडल जित्तण वाले खिडारियां नाल गल्लबात कीती। भारत पिछले 24 घंटों दौरान 35,178 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 37,169 कोरोना मरीज ठीक होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 97.52% हुई। हुण तक देश भर च 56,06,52,030 कोरोना टीकों दी खुराकां दित्तियां गईआं। अते नेता जी सुभाष चंद्र बोस की बरसी मौके राष्ट्र वालों श्रद्धांजलियां। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान अज कई अहम फैसले लाए गए। मीटिंग मगरों प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि कैबिनेट वालों खाण वाले तेल की दरामद ते निर्भरता नूं घटाउण दा फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि खाण वाले तेल के मामले च आत्म निर्भरता वधाउण दे यतना लई सरकार वालों स्कीमां बनाईआं जा रहीआं ने, जिन्हां तहत तेल बीज फसलां दा उत्पादन वधाउण तों इलावा किसानां नूं कई तरहां दे प्रोत्साहन देण दा फैसला लिया गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने दसिया कि कैबिनेट ने नैशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्रोग्राम लई 11,000 करोड़ रुपए के प्रबंध नूं मंजूरी दित्ती। अज दी मीटिंग दौरान किसानां दी आमदन नूं दुगना करन बारे भी चर्चा कीती गई। आज की बैठक में एडिबल ऑयल के लिए आयात पर निर्भरता के चलते एडिबल ऑयल को घरेलू उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, इसलिए निर्णय किया गया है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम्प के नाम से, इसको NMEO OP इसके नाम से आप जान सकते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम्प, ताकि निर्भरता हमारी आयात पर कम हो, स्थानीय उत्पादन ज़्यादा हो, तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम्प पर कुल मिलाकर 11,040 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दसिया कि पाम ऑयल के उत्पादन नूं वधाउण लई कैबिनेट वालों उत्तर पूर्वी खेतीबाड़ी कारपोरेशन लिमिटेड नूं मुड़ सुरजीत करन दा फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि खाण वाले तेल के उत्पादन नूं वधाउण लई सूबा सरकारां नाल रल के काम किया जा रहा है। तीसरा जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, ये दुर्गम क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लॉजिस्टिक की भी सुविधाएं जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, रास्ते भी कठिनाई कारक हैं, और इसलिए सामान्य तौर पर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में इसका उत्पादन किसान बढ़ाए तो, लेकिन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं आए तो वो बढ़ा के भी क्या करेगा, निवेश भी नहीं आता था। खेती को देखकर निवेशक प्रोत्साहित होता है और इंडस्ट्री को देखकर उत्पादनकर्ता प्रोत्साहित होता है, तो इसलिए ये चुनौतियां थीं और इन चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार ने ऑयल पाम मिशन का निर्णय किया और उसके अंतर्गत इन चिंताओं को समाधान करने की कोशिश की। पिछले समय महिलावां नूं फौज विच परमानेंट सर्विस कमिशन च शामिल करन दे फैसले तो बाद हुण सुप्रीम कोर्ट ने एक होर वड्डी राहत दित्ती है। सर्वोच्च अदालत ने महिलावां नूं नैशनल डिफेंस अकैडमी यानी NDA दी प्रीख्या च बैठण दी आग्या दे दित्ती है। इह हुकम इस वरे 5 सितंबर नूं होण वाली NDA प्रीख्या तों लागू होवेगा। मामले दी सुनवाई दौरान सेना ने कहा कि NDA प्रीख्या च महिलावां नूं शामिल ना करना नीतिगत फैसला है। इस उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाउंदिआं कहा कि जे इह नीतिगत फैसला है तां इह भेदभाव वाला है। हालांकि 5 सितंबर नूं प्रीख्या च बैठण दा आदेश सुप्रीम कोर्ट दे अंतिम फैसले दे अधीन होवेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने 29 अगस्त को प्रसारित होने वाले आकाशवाणी के बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात लई लोगों तो सुझाव मंगे ने। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने पूछा कि तुहानू किहड़े विषय दिलचस्प जापदे ने जो इस महीने की मन की बात प्रोग्राम च लाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देशवासी अजिहे विषय माई गोव ज नमो ऐप से सांझे कर सकते हैं। इस तो इलावा लोग अपने सुनेहे 1-800-11-7800 डायल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक खेडों च देश की नुमाइंदगी करन अते देश लई मैडल जितने वाले खिडारियों नाल गलबात की। यह गलबात बहुत ही गैर रस्मी अते हल्के फुलके अंदाज च हुई। खिडारियों के संघर्ष उन्हां दी पसंद दीआं खाण वालीआं चीज़ां आदि तो लैके मैडल जितने ते उन्हां दे तजर्बियां बारे भी खुल के गलबात हुई। प्रधानमंत्री ने खिडारियों नाल इन्हां खूबसूरत पलों नूं ट्वीट करके लिखिया कि साडे ओलंपिक नायकां नाल एक यादगार संवाद। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट विच अगे लिखते हैं कि उन्हां खिडारियों नाल आइसक्रीम अते चूरमां दा आनंद लैण दे नाल नाल चंगी सेहत अते फिटनेस दे चर्चा तो इलावा प्रेरणादायक गल्लां ते कुछ हल्के फुलके पल सांझे कीते। पोषण के संबंध में, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है, विकास के लिए भी जुड़ा। तो आप हैरान हो जाएंगे, हमारी जो बच्चियां हैं वो 13-14-15 साल में ऐसी एनेमिक कंडीशन में होती है कभी कभी, और 5-10 साल के बाद जब वो मां बनेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा ही नहीं हो सकता। और जिस देश का बचपन स्वस्थ ना हो वो देश भी कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ा सामाजिक काम, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, स्पोर्ट्स पर्सन जब कहता है तो इस विषय में वो विश्वास करता है, हाँ यार देखिए यहां तक पहुंचा तो खाने में उसने नियमों का पालन किया। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। मैं भी आपको नोट भेज दे, डिपार्टमेंट ऐसी व्यवस्था करूंगा, लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए। और मैं भारत पिछले 24 घंटों दौरान 35,178 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए, जिस मगरों हुण तक कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की संख्या 3,22,85,857 ते पहुंच गई है। इस समय दौरान 440 लोगों की मौत हुई। हुण तक कोरोना महामारी कारण मरण वालों की संख्या 4,32,519 हो गई है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या घट के 3,81,947 आ गई है, जो पिछले 148 दिनों सब तो घट है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार बीते दिन 37,169 कोरोना मरीज ठीक हुए। हुण तक कोरोना तो 3,14,85,923 लोग सेहतयाब हो चुके हैं और कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 97.52% हो गई है, जबकि मौत दर 1.34% से स्थिर है। देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तेजी नाल जारी है। बीते दिन 55,05,075 कोरोना टीके लगाए गए। हुण तक देश भर च 56,06,52,030 टीकों दीआं खुराकां दित्तीआं जा चुकीआं ने। आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित आज़ादी का सफ़र तहत असीं देश की आज़ादी च योगदान पाउण वाले वख-वख आज़ादी संग्रामियों के जीवन के पहलुआं तों तुहानूं जाणू करवाउने आं। अज असीं इस कड़ी तहत नेता जी सुभाष चंद्र बोस ते चर्चा करांगे। पेश है एक रिपोर्ट। ते ही दिन 1945 च एक खबर मिली कि नेता जी जिस जहाज तो जा रहे सन वह ताइवान च ताइहोकू हवाई अड्डे नेड़े हादसाग्रस्त हो गया और उन्होंने नज़दीकी जापानी मिलटरी हस्पताल च चोट कारण दम तोड़ दिता। सुभाष चंद्र बोस नूं प्यार नाल नेता जी कहा जाता सी। उन्हां दा जन्म 23 जनवरी 1897 च कटक च होया। उन्हां कलकत्ता यूनीवर्सिटी तो 1919 च ग्रैजुएशन की 1921 च इंडियन सिविल सर्विसिज प्रीख्या पास की। कहा जाता है कि शेर नूं लंबे समय तक पिंजरे च कैद नहीं रख्या जा सकता। आज़ाद ख्यालां दी सुभाष चंद्र बोस ने चितरंजन दास तो प्रभावित होकर सिविल सेवावां तो अस्तीफा दे दिता। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज़ां दी गुलामी की बजाए अपने देश की आज़ादी लई काम करन दा रस्ता चुनिया। बोस ने स्वराज का समर्थन किया। उन्हां दा विचार सी कि आज़ादी दित्ती नहीं जाती बल्कि लई जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी मात भूमि नूं विदेशियों के चंगल तो मुक्त कराउण दी रणनीति बनाई। इस तो बाद उन्होंने कदे पिछे मुड़ के नहीं वेख्या।
1939 च दूजा विश्व युद्ध शुरू होने तो बाद नेता जी ने जन अंदोलन शुरू किया। इस तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। बोस की अपील से लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजा ने उन्होंने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने घर च नज़रबंद कर दिया गया। इस दौरान बोस ने नाटकी ढंग नाल उतों निकलण की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी वधा ली ते पठान दे भेस च घर तो निकल गए ताकि अंग्रेज उन्होंने पहचान ना सकण। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहला बिहार गए और उतों पेशावर के रस्ते काबुल, मास्को ते रोम होंदे हुए आखिरकार जर्मनी पहुँच गए। जर्मनी च उन्हों की मुलाकात हिटलर नाल हुई। उन्हें बर्लिन च फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। बोस 1943 दक्षण पूर्व एशिया वाल निकल गए। आज़ादी का संघर्ष जारी रखा। उन्हें आज़ाद हिंद फौज को नवा रूप दिता। नेता जी ने गांधी, नहरू और मौलाना आज़ाद के नाते आज़ाद हिंद फौज की रेजीमेंट के नाँ रखे। आज़ाद हिंद फौज च एक रेजीमेंट अजही भी सी जिस विच सिर्फ महिलावां सन। इसका नाँ झांसी की राणी लक्ष्मी बाई के नाँ ते रख्या गया। नेता जी की अगुवाई च आज़ाद हिंद फौज च युद्धबंदी और हज़ारा नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता नाल बरतानिया साम्राज्य नाल लड़के भारत नूं आज़ाद करवाउणा चाहुंदे सन। जब बरतानवी सेना ने मले द्वीप ते कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण नहीं करन दा फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन नाल मंचूरिया तो लड़ाई जारी रखण की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उन्हों का जहाज हादसाग्रस्त हो गया। सुभाष चंद्र बोस की मौत बारे विवाद है। जिस जापानी जहाज च नेता जी सवार सन वह 18 अगस्त 1945 को हादसाग्रस्त हो गया और कहा जाता है कि उस च लगी अग कारण बोस भी जल गए सन। नज़दीकी जापानी हस्पताल च उन्हों का देहांत हो गया। मनिया जाता है कि उन्हों का अंतिम संस्कार किया गया और उन्हों दी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर च रखी गई ने। हालांकि इस बारे भी विवाद है कि मंदिर च रखियां अस्थियां नेता जी दियां हन जां नहीं। इस दे कारण कई तरह दियां धारणावां बनियां अते मन्या गया कि शायद बोस इस हादसे च बच गए होण। गांधी जी ने बोस नूं देश भगतां दा देश भगत कहा सी। सच्चाई कुछ भी होवे पर नेता जी दी आवाज़ अज भी लोकां दे दिलां विच देश भगती दा संचार कर दिंदी है। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक आ रहे न्यू डी डी के जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक और ट्विटर हैंडल पेज से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर चुनवीं खबर एक बार फिर तो केंद्रीय कैबिनेट वालों खाण वाले तेल की दरामद से निर्भरता घटाने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने नैशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल प्रोग्राम लिए 11,000 करोड़ रुपए के प्रबंध में मंजूरी दी। पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने लिए कैबिनेट वालों उत्तर पूर्वी खेतीबाड़ी कारपोरेशन लिमिटेड को मुड़ सुरजीत करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिलावां नूं एनटीए की परीक्षा च बैठण दी दित्ती इजाजत। प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त नूं प्रसारित होण वाले आकाशवाणी के बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात लई लोकां तों सुझाव मंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक खेडां च देश की नुमाइंदगी करन अते देश लई मैडल जितने वाले खिडारियों नाल गलबात कीती। भारत विच पिछले 24 घंटे दौरान 35,178 नवे कोरोना मामले दर्ज। बीते दिन 37,169 कोरोना मरीज ठीक होए। कोरोना तो ठीक होने की दर वध के 97.52% हुई। हुण तक देश भर च 56,06,52,030 कोरोना टीकों दी खुराकां दित्तियां गईआं। अते नेता जी सुभाष चंद्र बोस की बरसी मौके राष्ट्र वल्लों श्रद्धांजलियां। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, धन्नवाद।